दोस्तों कमेंट बॉक्स में गेट वेल सून ऋषभ पंत जरूर लिखें, क्योंकि आपको बता दें कि सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए, जिसके कारण भारतीय फील्डिंग के दौरान उनकी जगह रिद्धिमान साहा विकेट कीपिंग करने मैदान पर उतरे हैं। सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं, जिसके कारण भारतीय फील्डिंग के दौरान उनकी जगह रिद्धिमान साहा विकेट कीपिंग करने उतरे हैं। भारतीय पारी के 85वें ओवर में कमिंस की तेज रफ्तार गेंद पंत की कोहनी पर लगी, जिसके बाद बल्लेबाजी करने में वो काफी असहज हो गए। यही कारण रहा कि इस घटना के तुरंत बाद अपनी पारी केवल 2 रन और जोड़कर पंत आउट हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार पंत के कोहनी की स्कैनिंग की जाएगी, स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला हो पाएगा कि आगे के सत्र में ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर पाएंगे या फिर नहीं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम पहली पारी में 244 रन पर ही आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 98 रन की बढ़त मिल गई है, उसने पहली पारी में 338 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 4 विकेट लिया है। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में ऋषभ पंत के लिए गेट वेल सून जरूर लिखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर ऋषभ पंत आगे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे तो ये भारत के लिए बड़ा झटका होगा।